हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं अर्थ्स एटमॉस्फेयर को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड अदर बेसिक थिंग्स जो जस्ट फॉर नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए देखते हैं। सो एटमॉस्फेयर और एयर इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ लाइक एन इनविजिबल ब्लैंकेट, जिसमें किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में मेजर कॉम्पोजिशन रहता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 99%, और रिमेनिंग 1% में आ जाते हैं अदर गैसेस, दैट इज आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटसेट्रा, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइफ इसी पे डिपेंडेंट है, प्लस एयरक्राफ्ट के लिए भी ये ज़रूरी है फॉर पैसेंजर्स एंड कम्बशन ऑफ फ्यूल। सिमिलरली प्लांट्स के लिए CO2 इम्पॉर्टेंट है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोपोर्शन हर जगह कांस्टेंट हो, क्योंकि इसमें वेरिएबल कंपोनेंट्स भी रहते हैं लाइक वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर गैसेस, जो प्लेस टू प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। इसीलिए वेदर पैटर्न भी आपको हर जगह डिफरेंट मिलता है। वेदर मीन्स कंडीशन और स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड फ्लाइट ऑपरेशन के लिए यही मैटर करता है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर नेवर एंडिंग कॉन्स्टेंट मोशन में है 24/7। और ये कंटिन्यू मोशन में क्यों है, इसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस हैं, बट मेन फैक्टर है टेम्परेचर वेरिएशन, क्योंकि अर्थ का सरफेस अनइवन तरीके से हीट होता है बाय सोलर एनर्जी। फॉर एग्जांपल, लैंड सरफेस फास्टली हीट होता है वाटर के कंपैरिजन में, इस वजह से लैंड का वार्म एयर राइज करता है एंड इससे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है ग्राउंड पे, एंड ये स्पेस फिल हो जाता है सराउंडिंग के कूल एयर से। एंड अगेन जब ये वार्म एयर कूल होकर सिंक करता है डाउनवर्ड्स, उससे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और इसी तरह से एक कंटिन्यूस सर्कुलेशन चलता रहता है हर जगह। प्लस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से विंड क्रिएट होता है एंड ये हमेशा ब्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो टेम्परेचर पे ही मैक्सिमम चीज़ें डिपेंडेंट हैं, और इसी के बेसिस पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिफाइन किया गया है, जो अप्रॉक्सीमेटली 350 माइल्स तक एक्सटेंड करता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और एविएशन के पर्सपेक्टिव से ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वेदर एंड फ्लाइट ऑपरेशन यहीं तक लिमिटेड है। एंड इसका प्रोफाइल कुछ इस तरह से है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर में एवरी 1000 फीट पे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है, क्योंकि अर्थ सरफेस सबसे ज्यादा हीट रहता है एंड ये डिक्रीज होता जाता है एज यू गो अप। देन ट्रोपोपॉज लेवल पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है। देन स्ट्रेटोस्फेयर में ठीक इसका रिवर्स होता है, मीन्स जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और इसी को इन्वर्जन और टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। और ये होता है ओजोन लेयर की वजह से, जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हीट रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। देन अगेन जो बाउंड्री लेयर है वो है स्ट्रेटोपॉज, एंड इसमें अगेन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, एंड अगेन ये वेरी करता है लेयर्स के अकॉर्डिंग। बट मेजॉरिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट 99% फर्स्ट टू लेयर्स में ही प्रेजेंट है, एंड ग्रेविटी की वजह से अर्थ ने इसे होल्ड करके रखा हुआ है एक तरह से। बट जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ अर्थ से दूर जाते हो, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी भी डिक्रीज होता है, इसीलिए एयर मॉलिक्यूल्स भी रिड्यूस होने लगते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, विच इज नथिंग बट योर एयर डेंसिटी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस के लिए, स्पेशली वार्म वेदर में। प्लस इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है ह्यूमन बॉडी पे, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब डेंसिटी की वजह से एयर प्रेशर भी वैरी करता है, क्योंकि भले ही एयर इनविजिबल है लेकिन इसका कुछ ना कुछ मास जरूर है, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट हैज वेट, एंड बिकॉज ऑफ वेट इट एक्सर्ट्स फोर्स, विच इज नथिंग बट योर एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेदर चेंजेस एंड फ्लाइंग के लिए। एंड इसी को मेजर किया था टॉरिसेली नाम के एक इटालियन साइंटिस्ट ने विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, जो उन्होंने खुद ही इन्वेंट किया था, जिसमें हाइट ऑफ मर्करी कॉलम रिप्रेजेंट करता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और क्योंकि रियल लाइफ में हर जगह का टेम्परेचर एंड प्रेशर हाईली वेरी करता है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होना बहुत जरूरी था, जिसे IQ ने एस्टेब्लिश किया एट सी लेवल प्रेशर, विच इज इक्विवेलेंट टू 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी और 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और इसी के बेसिस पे एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन एंड डिफरेंट एल्टीट्यूड्स डिफाइन किया गया, जिसके बारे में हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। बट आपने एक पॉइंट जरूर नोटिस किया होगा कि नेचर की हर चीज कितनी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और हर छोटी से छोटी चीज का कितना इम्पैक्ट है एविएशन में। हालांकि नेचर को कोई गवर्न तो नहीं कर रहा है, बट स्टिल सब चीजें कितने सिंक्रोनाइजेशन के साथ चल रही हैं बिना किसी मैन पावर के, ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।